अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद हूर। किचन विद हूर में आज मैं अपने फ्रेंड के साथ स्किन पॉलिश की रेमेडी शेयर करने लगी हूँ, जो कि इंस्टा स्किन पॉलिश के इफेक्ट देगी आपको। ये आजकल ईद का सीज़न है तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब घर में ही बहुत ज़बरदस्त पार्लर जैसा ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा इस पर। जब स्किन पॉलिश को आप अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, ज़बरदस्त है, अफेक्टिव है। स्किन पॉलिश आप करवाती हैं, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है ये सब, पार्लर का जो खर्चे होते हैं ये आप उससे आपकी बचत हो जाएगी, ठीक है। स्किन पॉलिश क्यों की जाती है, इसलिए की जाती है क्योंकि धूल मिट्टी की वजह से स्किन के ऊपर डस्ट वगैरह हो जाती है, तो इसकी वजह से स्किन डल हो जाती है, कलर कहीं से डबल टोन हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और आपका कलर ऐसा हो जाएगा जैसे चांदी, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। ये जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी, आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। ये स्पेशल है मेरी फ्रेंड के लिए, आप सब इस्तेमाल करिएगा इसको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक शुरू करिएगा। तो अब शुरू करते हैं जी हम अपनी रेमेडी। इस रेमेडी के लिए मुझे चाहिए मीठा सोडा और मुझे चाहिए मसूर दाल का आटा, और ये मेरे पास है कैप्सूल विटामिन वाइटिंग कैप्सूल है, ठीक है। विटामिन ई के कैप्सूल नहीं है, ये स्किन वाइटिंग कैप्सूल है, ठीक है जी। आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा ये वाइटिंग कैप्सूल के नाम से आसानी से जो कि हर शॉप से मिल जाते हैं, ये कॉस्मेटिक की शॉप से मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे पास मेरा होममेड, मैंने घर में बनाया हुआ फेस वॉश है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर ही ये चीज़ें डाल दूँगी, ठीक है। तो मुझे तो किसी किस्म के मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा फेस वॉश है इसके अंदर ग्लिसरीन भी है, शहद भी है, ठीक है। तो अरके गुलाब मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, तो मेरा होममेड है तो मुझे तो किसी चीज़ की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको जब अगर आपने घर में होममेड फेस वॉश बनाया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बनाया हुआ मार्केट वाला इस्तेमाल कर रही हैं तो वो तो उसके अंदर तो कोई उन्होंने मॉइस्चराइज़र चीज़ नहीं डाली होती, क्योंकि जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा केमिकल डाले होते हैं। तो आपने ना इस तरह का, ठीक है, तो आप अपने जब आप मार्केट वाला घर में इस्तेमाल कर रही हैं तो कोई बात नहीं। आपने करना क्या है जी, आपने ना अपनी स्किन को पहले ही किसी अच्छे मॉइस्चराइज़र के साथ, आलमंड ऑयल के साथ पहले मॉइस्चराइज़र कर लीजिएगा, उसके बाद 5 मिनट आपने मसाज करना, और उसके बाद फिर आपने ये जो मैं बताने लगी हूँ इसको अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। तो जब आप अपनी स्किन के ऊपर मसाज करेंगे तो उसको आपने साबुन या फेस वॉश के साथ अपनी स्किन को वॉश नहीं करना, किसी टॉवल के साथ अच्छे से अपने हाथ को टैप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो मैं आपको पैक बताने लगी हूँ ये आपने लगा लेना है। आई एम श्योर आपको समझ आ रही है जो मैं बात कर रही हूँ। तो अब चलते हैं जी इसकी रेमेडी, इस रेमेडी की तरफ। ये मेरे पास 1 टीस्पून पूरा भर के, ये देखिए जिस तरह आपको निशान नजर आया ना चम्मच का, इसमें भर के मैंने मीठा सोडा ले लिया है, और 1/2 टीस्पून इसके अंदर मसूर दाल का आटा हमने डाल देना है, और 2 अदद हमने वाइटिंग कैप्सूल जो मिलते हैं वो डालने हैं। तो अब इसके अंदर ही हम ये 2 वाइटिंग कैप्सूल हैं वो डालने लगे हैं जी, ठीक है। ये डाल दिया, दूसरा भी डालेंगे। ये डाल दिया, अब इसके अंदर फेस वॉश डालेंगे। ये देखें इसको हमने ना मिक्स कर लिया, ठीक है जी। मिक्स करने के बाद, ठीक है, अब इसको आप अपने हैंड पे अप्लाई करें, ठीक है, अपने फेस पे अप्लाई करें, ज़बरदस्त सिस्टम वाइटिंग है। ये देखें मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ, इस तरह आपने इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। 1 मिनट इसको लगा रहने दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। इस तरह आपने ये पूरा लगा लेना है, लगाने के बाद आप इसको लगा रहने दें, 5 मिनट के लगा रहने दें, उसके बाद आपने ठंडे पानी के साथ अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा, और आपको पहले ही वॉश में पता चल जाएगा, इंस्टेंट वाइटिंग देगा ये पैक आपका, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी मेरी।
ये देखिए 5 मिनट मैं इसको हाथ पे लगा रहने दिया, उसके बाद हमने हैंड को वॉश कर लिया और इसका आप वाज़े फ़र्क देख सकते हैं, ठीक है, कितना बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। ठीक है, तो आप इसको इसी तरह बनाइएगा, ठीक है, और लगाइएगा। ये रेमेडी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई डिफरेंट रेमेडी के साथ। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, जी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।